नल फेटिया है। लोग कहते हैं कि टाइल्स टाइल्स के दिखाइए बाबू, कौन सा टाइल्स दिखाइए। टाइल्स में मार्बल है तो 20 मत चढ़ा है, मार्बल में भी चढ़ जा रहा है। और चार तल्ला मकान को ये सब तल्ला ऊपर क्या तो इतना मिला हुआ है, चार तल्ला मोड़ पर किसका निकला हुआ वो भी चार तल्ला मकान पर। मेरे भाई साहब जो बुलाए हमको उसको मिलाते हैं क्या ही अपना नाम बताइए, अपना पर्चे बताइए। मेरा नाम श्यामचंद खान है। और मैं नहीं बताइए रुक जा बंद कर दिया तुम 2 मिनट का। मेरा नाम श्यामचंद खान है, मेरा ही मकान हुआ और यहाँ पे मैंने राजमिस्त्री लोग को लगाया था, लोगों ने साफ देखा है। और ये देखिए ये इस जगह बता रहे हैं यहाँ पर ही 2 बोरा रखा हुआ, जबकि इससे नीचे 4 तला मकान नीचे है। तो हम दिखाते हैं सांप को निकाल के कौन सा सांप पैदा है यहाँ। हाँ ये बढ़िया देखने के अभी जब हाय 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 देख लिया है। अरे नौछटिया है आप देख सकते हैं कि 4 तल्ला पर ये सांप गहमन सांप चढ़ गया है। इसको हम नीचे लेके चलते हैं, आइए मार्बल है तो 20 मत चढ़ा है, मार्बल में भी चढ़ जा रहा है। और 4 तल्ला मकान को ये तल्ला ऊपर 4 तल्ला पर है। निकला जी हेलो निकल गया निकल गया टेबल ओरिजिनल है ऊपर है बोरा में काफी खतरनाक होता है ये सब काम। अगर किसी व्यक्ति को काट दे तो कोई झाड़ फूक मत कराइए, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए। अगर झाड़ फूक के चक्कर में रहिएगा तो आप लोग का मृत्यु हो जाएगा। अब बार बार वीडियो बनाने का मकसद हम लोग का यही होता है कि पब्लिक को जागरूकता करना, पब्लिक जो है जागरूकता ना होकर के कितनों समझाइए लेकिन वो लोग करते क्या है कि सांप काटने के बाद में झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं और उसी बीच में उसका मृत्यु हो जाता है। चार तला मंजिल पर कैसे चढ़ गया ये आप बता रहे हैं? ये सीढ़ी से नहीं चढ़ा होगा, बोरा बोरा नीचे रखा हुआ होगा ऊपर डायरेक्ट चढ़ा है। तो ये देखिए चार तला टाइल से मार्बल पे ढका हुआ छत पर चढ़ा हुआ था, इसका देखिए हॉस्पिटल में जाए यहाँ पर आपका बगल में वृंदा डॉक्टर है, वृंदा डॉक्टर में भी इसका उपलब्ध है, वहाँ पर भी आप इलाज करा सकते हैं। इसमें जहर हुआ इसका न्यूरोटॉक्सिन, ऐसी का ही जहर से बना हुआ तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा इसमें।
हम बराबर वीडियो बनाने का मकसद होता है भैया कि सांप काटने के बाद में लोग घाट को करने के लिए चले जाते हैं, नीम के पत्ता और पानी डालने से आपका जहर नहीं निकलेगा शरीर से। इसमें जो जहर होता है नीरोटॉक्सिन बनेगा शरीर का, तब आप ठीक होइएगा। और पता रहे ये अच्छा सांप है कि 100% है 80% लोग फाट मारता है, 20% जहर छोड़ता है। कभी भी ये जो सांप है अभी बच्चा है, ज्यादा बड़ा उम्र नहीं है, एक तो डिब्बा मंगाइए उसको हम पैक करते हैं। राजू राजू शाम को मारिए मत, हमारा चैनल चलता है, चैनल के नाम अमर अस्ने के जब आप वीडियो में रख कर देखिए, हम हर वीडियो को बताते हैं, सभी लोग जनता देते हैं, जनताई से करते और हम जिस तरह से कम नहीं करते ऐसा कम नहीं जाएंगे, इसको बैंडेज करेंगे, तो बैंडेज नहीं क्या मजाक करत रह सर, मजाक सुत रह हमको हम नहीं करने वाले हैं, आप नौकरी नहीं नहीं है, अब हो जाएगा अभी 1,07,000 हां बहुत है अभी हम लेकिन ठीक है, माचिस लगाइए, माचिस पसंद लगाइए, नहीं करिए माचिस थोड़ा सा लगा दो, जिस तरह से हम गलती की ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा, क्या हो गया मरत रहेगा चढ़ गया था, इस पे था, इसपे ऊपर में एकदम था, कोई झाड़-फूंक नहीं कराना है, हम लोग काम कर रहे थे पूरा में, हॉस्पिटल में जाइए आप लोग, घबराइए मत, और इसको हम सुरक्षित जंगल में जाके छोड़ देते हैं, हम लोग मारते नहीं है, एक बेजुबान है, कहाँ है हमने तो डरा ही नहीं, मारियो ना कोई, कभी कभी लोग कहता है देखा एक बार मार दीजिए, नहीं है लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोगों को जानकारी हो इसके विषय में, और हम किसी तरह से शाम को करते रहे, आप लोग को सपोर्ट मिलते रहे, और जंगल में छोड़ते रहेंगे, मिलेगा, जय हिंद जय भारत।